हेलो साथियों, आई एम सूरज एंड वेलकम टू डर्टी व्हील्स। तो आज की जो राइड है ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, शॉर्ट राइड है। इसमें जो है एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है पासीघाट में। तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है और जो पार्टिसिपेंट्स है वो सारे जो बाहर से आ रहे हैं उनको रिसीव करना है जोनाई में, और जोनाई से रिसीव करके GTC तक एस्कॉर्ट करके जाना है। तो उसके लिए हमें इन्वाइट किया गया है। यही है इस राइड का कहानी। ये रही अपनी सारी बाइक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 या 15 से ज़्यादा बाइक्स है। तो ये है पूरा आज का लाइनअप। तो सैमुएल भैया नाउ हेल्पिंग मेरा झंडा लगा देने के लिए। वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे सब गेबल गैदर हो चुका है, और ये हमारा पानिंग सर भी आ चुके हैं, और एली मैडम आज का कोऑर्डिनेटर। हो चुका है 11:57 यानी कि ऑलमोस्ट 12, और अब यहाँ से हम सब निकल रहे हैं। और ये है अपना पासीघाट का मेन बाज़ार। यहाँ से हमको लेना है राइट जोनाई की तरफ, यानी आसाम की तरफ। अरुणाचल से निकल के नीचे इंडिया की तरफ जाना है, तो यही रास्ता लेना होगा। सारे यहाँ पर एक बार रिफ्यूल करेंगे और ब्रीफिंग होगा जो भी, उसके बाद यहाँ से आगे निकला जाएगा। पेट्रोल फिल हो गया, अभी सब यहाँ से भी निकलते हैं। गो गो गो। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं ओयान, और अभी हो चुके हैं 12:22। हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 5 लोग ही हैं, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप पीछे है। सो वी आर वेटिंग फॉर देम। ये है ओयान का छोटा सा मार्केट। यहाँ पे कुछ दुकान है और आगे कुछ दुकान है, और इस तरफ भी कुछ दुकान है। दिस इज़ छोटा छोटा इतू सा प्यारा प्यारा ओयान। ये आता हुआ अपना बाकी का ग्रुप, और लास्ट में है अपना ताचो भैया। बिल्कुल टर्मिनेटर लुक्स जैसा उनका जो बाइक है एकदम दिख रहा है। आ गया सब कोई, चलो निकलते हैं। बढ़िया सा कर्व आ रहा है आगे, आगे कोई गाड़ी भी नहीं है, मज़ा लिया जाएगा पूरा। ओह यह, वन मोर वन मोर वन मोर। ओह यह। और इसके साथ ही हम आ चुके हैं जोनाई। तो यहीं से फाइनल एक्चुअली एस्कॉर्ट जो है करके हमें यहाँ से जाना है। तो वहाँ पे उनका कुछ एक इंटरव्यू टाइप का चल रहा है। सामने से नहीं। मेरा नाम मिस ताना पुलिया है, और अभी तो फिलहाल हम लोग सब साथ में आए हैं ना, तो इसलिए मतलब सबको अभी जानने मिल रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो 14 days अभी हम लोग जो साथ में रहने वाले हैं, अभी हम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये इंजॉय होगा, प्लस हम लोग साथ में बहुत चीज़ साथ में लर्न करने वाले हैं एक साथ मिलकर। वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ अपना बंधु पार्टी लोग रिफ्रेशमेंट करते हुए, तो इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा है। तब तक मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, एक लोकेशन पे जाके लेने हैं मुझे कुछ शॉट्स। इसी शॉट के लिए मैं यहाँ एडवांस में आके रुका था। आगे कहीं शायद वो लोग रुकेंगे, तो मैं उन्हें कैचअप करता हूँ। तो हियर दे आर। ओहो, यहाँ तो सब लाइनअप पे जा रहे हैं, मुझे भी लाइन में घुसने दो भैया, थोड़ा सा घुसने दो। तो भैया पूछ रहे हैं कि आया ड्रोन शॉट कैसा आया, तो अभी मैं उनको बताऊँगा पूरा हाल दिल क्या हुआ मेरे साथ। मैं सीधा रख ही नहीं पा रहा था ड्रोन, मेरा ड्रोन कभी दाएँ जा रहा है कभी बाएँ जा रहा है। इट्स लाइक eating alcohol and going थरा मेरा। और यहीं पे होने वाला है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और ये आप देख सकते हैं बोर्ड, आई मीन बैनर। और ये है यहाँ का जनरल स्टेडियम, ये है यहाँ का जनरल हॉस्पिटल पासीघाट। और अब आगे से हमें राइट लेना है टूअर्ड्स GTC, दैट इज़ ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर। ये रहा वो ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर जिसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ गया है GTC। ये देख सकते हैं बोर्ड GTC पासीघाट, और सामने का नज़ारा देखो गाइस,
इसलिए मुझे पासीघाट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आई एम लिविंग इन द लैप ऑफ मदर नेचर, वेरी क्लोज कनेक्टेड टू नेचर। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा तेजी नहीं, सिंपल लिविंग और फ्रेश थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड फ्रेश थिंकिंग है यहाँ। और यही अपना एंट्री पॉइंट, तो अपने को जाना है धोनी हंगो रिजॉर्ट, ग्रैंड रिसेप्शन, टॉप 20 फाइनलिस्ट, 13th किंगफिशर मिस अरुणाचल 2021। क्या बात, रेड कारपेट पे बाइक चलाने का मौका। अपन रेड कारपेट पे चल रहे हैं। व्हाट अ वेलकम, वार्म वेलकम। तो बाइक्स अरेंज किया जाए इन अ लाइनअप। बाइक्स अपना सारा पीछे पार्क हो चुका है और चलते हैं वहाँ जहाँ पे अपना रेस्ट करने का, रिफ्रेश होने का इंतज़ाम सारा रखा हुआ है। जरूर आइएगा। तो अपना प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब यहाँ से सब रिटर्न जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने रेस्ट किया, रिफ्रेशमेंट किया, लंच भी किया और अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं। हम सबको इनवाइट किया गया है 3 तारीख प्रोग्राम में, सो हमारे लिए कोई पासेस वगैरह कुछ नहीं होगा। आफ्टर विजिट यहाँ से शॉप से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट और स्नैक्स लेकर के जा रहे हैं बोदाक तरफ। थोड़ा वहाँ पर समय बिताएंगे, अपने ग्रुप के साथ थोड़ा बातें करेंगे। खूबसूरत है ना गाइस। तो अगर आप लोकेशन की बात करूं तो ये आप पासीघाट से जब इंक्योंग की तरफ जाओगे तो आपको यही रूट लेना पड़ेगा, इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच। सो वी आर एंटरिंग हियर। यहाँ लोग आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। जगह तो खूबसूरत है पर प्री ऑक्यूपाइड है। हम उस तरफ जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉइस। तो मैं भी ऐसे रहूँगा, क्या बात, लुक एट द नज़ारा इन फ्रंट ऑफ योर आइज गाइस। तो गाइस ये पीछे रिवर्स यांग है और ये हम हैं और यहाँ पे पहाड़ी हो रही है। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, इतने दिन बाद गेट टुगेदर हुआ ना ये, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा है। काफ़ी शाम भी हो गई है, अंधेरा होने को है थोड़ी देर में, तो अब निकलते हैं यहाँ से। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, आपके हिम्मत की दाद बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय बाय।